Meghraj Jain. धन्यवाद सभापति जी. स्वास्थ्य, सबका स्वस्थ होना महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य के लिए हवा, पानी और अन्न ये शुद्ध होना चाहिए. आज देश में न हवा शुद्ध है, न पानी शुद्ध है, न अन्न शुद्ध है और इसके कारण बीमारियां आ रही हैं. साफ सफाई, पर्यावरण, इन सब का माहौल ऐसा है कि बीमारियों को बढ़ावा दे रही है. आज खाने पीने की जितनी चीज़ें हैं, दूध से लेकर के घी, तेल, मसाले और अब तो चावल और अनाज, दालें, ये तक नकली आने लगी है और उसके कारण गंभीर बीमारियां हमारे लोगों को हो रही है. अस्पताल, किसी भी अस्पताल में जाएं तो हजारों की संख्या में लाइन लगे हुए लोग बैठे हुए हैं और डॉक्टर की कमी है. लोगों को, मरीज को इलाज मिलना चाहिए समय पर, वो मिल नहीं पा रहा है. हमारे यहाँ पर एक फैशन हो गई है, विदेश में जो बाहर से आएगी वही चीज़ अच्छी है, अपने देश की हर चीज़ को जो हम नकारने की एक प्रवृत्ति यहाँ पर लोगों में बढ़ गई है. जो हमारी परंपरागत इलाज की व्यवस्था है, अगर उनको भी थोड़ा बढ़ावा दिया जाए तो बहुत सारी बीमारियों को उनसे निपटा जा सकता है. अभी हमारे पूर्व वक्ता रवि प्रकाश जी ने कहा कि जो ये प्राइवेट छोटे छोटे डॉक्टर जो हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर, उनको भी फिर से वो ट्रेनिंग दे दी जाए थोड़ी बहुत, तो बहुत कुछ हमारी समस्या का निदान कर सकते हैं. मध्य प्रदेश का एक झाबुआ जिला, अलीराजपुर इलाका है, वहाँ पर एक और छोटे गांव के अंदर मैं गया डॉक्टर से मिलने के लिए. उसके जवान बेटे की मृत्यु हो गई थी और जब दाह संस्कार करके लौटे तो वहाँ 100-150 आदिवासी बैठे हुए थे और बोल रहे थे, डॉक्टर थारो पोरियो तो गयो, महारा पोरिया ने बचाई ले. मतलब मेरे लड़के, तेरा लड़का तो गया, मेरे लड़के को बचा ले. और दाह संस्कार करके लौटने के बाद आंखों में आंसू लेकर के वो डॉक्टर जा करके उन मरीजों को 2-3 घंटे तक देखता रहा. ये स्थिति है. तो मेरा निवेदन ये है कि ऐसे डॉक्टरों को भी और थोड़ी सी ट्रेनिंग दे करके और छोटी छोटी बीमारियों को इलाज निपटाने के लिए गाँव के अंदर बड़ा डॉक्टर जाता नहीं है, MBBS डॉक्टर गाँव में भेजो जाता नहीं है, तो गांव के लोग वहीं इलाज करा ले, नहीं तो उनकी बीमारी बढ़ती जाती है, असाध्य हो जाती है, तब वो शहर में आते और आखिर मृत्यु के मुंह में जाते हैं. तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कहूंगा, निवेदन करूंगा कि इस मामले में भी आप ध्यान दें. और जहां तक डॉक्टरों की कमी का सवाल है, मैं मूल बात जो कहना चाहता हूँ, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं पर उनको मान्यता नहीं दी जाती है. हमारे यहाँ पर एक मेडिकल काउंसिल बनी हुई है, वो जब तक उनको पैसा न दिया जाए, वो भ्रष्टाचार का अड्डा है. मेडिकल काउंसिल बिल्कुल भ्रष्टाचार का अड्डा है. एक एक मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल कॉलेज के जब मान्यता के लिए वो जाते हैं तो वो कहते हैं 7 करोड़ लाओ एक साल के लिए, दूसरे साल फिर 7 करोड़ मांगते हैं. मेडिकल की उसकी जांच की जो वैधानिक फीस है वो भर देते हैं, वो फीस उनकी डूब जाती है, वो लाखों में है, जाते नहीं जांच करने के लिए. और जहां पर सारी व्यवस्था है वहां पर उनको अनुमति नहीं देते, जहां कुछ नहीं है पैसा मिल जाए तो उसको अनुमति दे देते हैं. ऐसे मेडिकल काउंसिल को भंग किया जाए. सुप्रीम कोर्ट, संसद की समिति, सबसे ऊपर है क्या वो? उसको मेरा निवेदन है, किसी प्रकार अगर नियम, यहां पर कोई नियम बनाने के लिए विधान लाना हो तो आप लाइए और भंग करिए उस मेडिकल काउंसिल को. ऐसी मेडिकल काउंसिल किस काम की जो मेडिकल कॉलेज के लिए अनुमति नहीं दे? डॉक्टरों की कमी है, सीटें नहीं बढ़ती है, PG करने के लिए अनुमति नहीं मिलती है, विशेषज्ञ कहाँ से आएंगे? इसके लिए विचार करना चाहिए और इसके ये करना चाहिए, देखना चाहिए. यहाँ पर 200-300 किलोमीटर तक कोई सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है कई स्थानों पर. मध्य प्रदेश में स्थिति है ही नहीं. इंदौर में है, उदयपुर में है, जाओ वहाँ तक, बाकी जगह नहीं है. और बाकी मैंने अभी पढ़ा अखबार के अंदर, वो मैं कहना चाहता हूँ,
व्यक्ति भी है, देश भी है, जो प्रकृति से घोर दानव, उनका काम है केवल लूटो। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दवाइयाँ आती है 300% तक महंगी है, वो उस इतना मुनाफा है उसके अंदर। मैं बताता हूँ, मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल जो अस्पताल है उसकी एक दवाई की दुकान, जब वो देता है किसी दुकानदार को मेडिकल, जिसका जिसने काले अपना अस्पताल खोल रखा है, वो कहता है कि तुम मुझे 25 लाख, 30 लाख, 60 लाख रुपए दो, और बाद में 3 लाख रुपये महीना दो उसको, और उसके बाद भी वो वहाँ पर लाइन लगा कर लोग खड़े हैं कि मेडिकल का जो है दुकान मेरे को दे दो। इसका मतलब देखिए कितना है उसके अंदर जो है कमाई है उस धंधे में। इसके बारे में जाँच करना चाहिए, सस्ती दवाई कैसे हो इसके बारे में विचार करना चाहिए। और ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दवाइयाँ हैं ये बहुत ज़्यादा महंगी है, उसकी बजाय हिंदुस्तान में अपने यहाँ पर अपने यहाँ की परंपरागत बीमारियों के बारे में कौन सी उस बीमारी पर इलाज हो सकता है उसका भी। अभी तक तो मेडिकल का मतलब ये है कि जो परंपरागत है उसको छोड़कर बाकी जो है उनके ऊपर हम विचार करते हैं, और कोई वाहन अनुसंधान हम करते नहीं हैं। तो उसके लिए अनुसंधान करना चाहिए, इन बीमारियों का भारतीय पद्धति में क्या अनुसंधान दवाई है उसका अनुसंधान हो, वो नहीं हो रहा है, करना चाहिए। और वो जब करने की बात आती है, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जितनी भी हमारी विशेषताएं हैं, चाहे औषधि के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में, वो सब संस्कृत में हैं। जब संस्कृत की बात करते हैं लोग कह देते हैं भगवाकरण हो रहा है, ये दकियानुसीपन हो रहा है। इस प्रकार का माहौल बनाने के लिए देश में लोग बैठे हुए हैं। एक अभी अखबार में समाचार आया, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कहूँगा आप इसके बारे में छानबीन करवाएँ कि चीन से जो हमारे खाने का सामान आयात हो रहा है उसमें नकली चावल, नकली दालें आ रही है, और वो सारा समाचार पत्र में पूरा उसका दिया हुआ था विवरण। तो ऐसे उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि उसको खाकर हमारे लोग बीमार होंगे। तो मेरा इतना निवेदन है कि इन सब बातों पर ध्यान दे करके मेडिकल कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा खुलें, वहाँ पर परंपरागत इलाज करने वाले केंद्र भी खुलें, और ये जो छोटा इलाज करते हैं गाँव में बैठ करके, उनको और ट्रेनिंग दे करके और उनको और सक्षम बनाया जाए, ताकि वो अधिकृत रूप से लोगों का इलाज कर सके। धन्यवाद। थैंक यू।